हिरण के सींग के साथ वन विभाग की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम 25 वर्षीय राकेश बड़ाइक है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूत्रों से मिली खबर के आधार पर सुकना वन विभाग स्क्वाड 1 के रेंजर दीपक रसाइली ने अपनी टीम के साथ मिलन मोड़ बाजार इलाके में अभियान चलाया। इधर संदेह के आधार पर जब आरोपी राकेश की तलाशी ली गई, उसके पास से हिरण के सींग का एक छोटा सा हिस्सा बरामद हुआ, जिसे बेचने के लिए वो बाजार में घूम रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान आरोपी के बताए गए जगह से हिरण के दो और सींग बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुकना स्क्वाड 1 सूत्रों के अनुसार जंगली जीव जंतुओं के देहांश तस्करी करने के पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए वन विभाग की टीम जुट गई है। दूसरी तरफ इस विषय पर रेंजर दीपक रसाइली ने बताया कि गुप्त सूत्रों से मिली खबर के आधार पर अभियान चलाकर उनकी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आज आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सुकना स्क्वाड की टीम पूरी घटना की जांच कर रही है। एक विशेषकर हमारे सूत्रों के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है मिलन मोड़ इलाके से। उसके पास से हरिन के स्पॉटेड डियर के एंटलर्स बरामद किए गए हैं और बाद में इंटरोगेशन के दौरान उसने और बताया और भी दो एंटलर्स बरामद किया गया है। उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसको केस करके हम लोगों ने आज ACGM कोर्ट सिलगुड़ी में उसको पुटअप कर रहे हैं और इस केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है।